रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसमें दो पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा ब्रीथिंग, या फिर कह सकते हैं गैसेस का एक्सचेंज, ये किस तरह से होता है प्लांट में। और सेकंड पॉइंट होगा प्लांट का जो फूड मटेरियल ग्लूकोज होता है उससे वो एनर्जी कैसे बनाते हैं। पहले देख लेते हैं गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है। सो यहाँ पर दिया है गैसियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट थ्रू। गैसियस एक्सचेंज तीन तरह से होता है, तीनों यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है स्टोमेटा इन लीव्स, जो प्लांट की लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं उसे कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू प्लांट गैसेस का एक्सचेंज करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंट्री लेती है प्लांट में, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाती है, उससे वो ग्लूकोज बनाता है और बनाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट होती है, तो इसी टाइनी पोर स्टोमेटा से वो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। सभी लीव्स के सरफेस पर ये टाइनी पोर होता है, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है स्टोमेटा की। इसके दोनों तरफ ये हैं गार्ड सेल्स जो इस टाइनी पोर को ऑपरेट करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं इसकी। ये गैसियस एक्सचेंज होता है फोटोसिंथेसिस में। यहाँ पर सेकंड पॉइंट दिया है लेंटिसल्स इन स्टेम, जो हमारी प्लांट की स्टेम या फिर कह सकते हैं तना होता है, वहां पर भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। लेंटिसल्स होते हैं स्टेम में टाइनी पोर्स, उन्हें लेंटिसल्स कहा जाता है। इन लेंटिसल्स की हेल्प से भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है सरफेस ऑफ रूट्स, जो प्लांट की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनका सरफेस भी गैसेस का एक्सचेंज करता है। ये टोटल तीन तरीके हैं गैसेस एक्सचेंज करने के प्लांट में। गैसेस एक्सचेंज यानी कि ब्रीथिंग, इसके बाद समझते हैं एनर्जी किस तरह से मिलती है प्लांट को। सो यहाँ पर दिया है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन एंड यूज देम विद ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए प्लांट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, उसका यूज करते हैं वे ग्लूकोज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनाने के लिए। सिंपली ऑक्सीजन का यूज किया जाता है ग्लूकोज यानी कि प्लांट के फूड से एनर्जी बनाने के लिए। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और साथ में मिलती है एनर्जी। ये एनर्जी हेल्पफुल होती है प्लांट को सरवाइव करने के लिए और प्लांट को ग्रो करने के लिए। इस इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं बिल्कुल इजीली। तो यहाँ पर हमने लिखा है ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये प्लांट का फूड, ऑक्सीजन इसके साथ यूज की जाएगी तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड H2O यानी कि वाटर और एनर्जी। अब आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की बिल्कुल रिवर्स है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 प्लस में H2O, ये दोनों मिलकर ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 बनाते हैं और साथ में बनाते हैं ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड H2O यानी कि वाटर और साथ में एनर्जी। ये होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और ये होता है फोटोसिंथेसिस, जो हमने पीछे वाले पेजेस पर पढ़ा।